दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में एक इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया कि न्यूट्रिशन है क्या। तो न्यूट्रिशन में मैंने बताया था आपको कि न्यूट्रिशन में आप फूड को इनहेल करते हैं और उसमें जो कंपोनेंट है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उस न्यूट्रिएंट्स को आप यूटिलाइज करते हैं। तो जो बेनिफिट हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते थे न्यूट्रिशन। ओके, और उस न्यूट्रिशन में हम लोग दूसरे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस टर्म को समझना होगा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है क्या। तो ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉफिक मीन्स फूड। मीन्स कहा जा सकता है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड मैन्युफैक्चरिंग अगर सेल्फ कर रहा हो तो उसे हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड मैन्युफैक्चरिंग सेल्फ करता है। इसको हम दो हेडिंग में समझ सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में दो हेडिंग में इसलिए जानेंगे कि फूड मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, फूड को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगा। और वो एनर्जी दो तरह से आपको मिल सकता है, या तो वो एनर्जी आपको सनलाइट से मिलेगा या फिर वो एनर्जी किसी केमिकल से मिलता है। तो दोस्तों, अगर हम केमिकल का यूज कर रहे हैं अपना फूड मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, कोई ऑर्गेनिज्म अगर केमिकल के थ्रू अपना सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग करता है फूड को, तो उस तरह के न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। दूसरी अगर बात करें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सनलाइट का यूज करके अगर वो फूड मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उस तरह के न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन और केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, ये दोनों न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक का ही पार्ट है। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन में जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू जो फूड बनता है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। और दोस्तों, फोटोसिंथेसिस के लिए जो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार रॉ मटेरियल है। उन चार रॉ मटेरियल का मैं नाम आपको समझाना चाहूंगा। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, तीसरा सनलाइट और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है क्लोरोफिल। ये चार रॉ मटेरियल है जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूजफुल है और बेनिफिटेड है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन में केमिकल का यूज करके अगर फूड मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है तो वो केमोसिंथेटिक है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है एस्रेशिया कोलाई। ये एस्रेशिया कोलाई जो बैक्टीरिया है वो हमारे इंटेस्टाइन से केमिकल को यूज करके वो अपना फूड मैन्युफैक्चरिंग सेल्फ करता है। तो सर, वो तो हमारा केमिकल ले रहा है, लेकिन बदले में क्या दे रहा है? तो मेरे दोस्तों, ये बैक्टीरिया बदले में हमें विटामिन B12 देता है, जो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में RBC का निर्माण कराता है। ये RBC हमारे ब्लड का एक कंपोनेंट है। अगर कहा जाए तो ये विटामिन B12 हमारे बॉडी में ब्लड बनाने का, ब्लड मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। तो इस तरीके से मैंने देखा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को दो ग्रुप में मैंने पढ़ा, एक केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, एक फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन में जो एग्जांपल आएगा वो ऑल ग्रीन प्लांट।
प्लांट्स, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया एक्सेट्रा, बट केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन में जो एग्जांपल आएगा सम बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो मैन्युफैक्चरिंग द फूड देमसेल्फ बाय द यूजिंग ऑफ केमिकल. तो हम लोग ये सारे टॉपिक को तो जानकारी लिया ही, अगले जो लेक्चर्स हम देने वाले हैं उस लेक्चर्स में हम उस प्रोसेस को जानेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट कौन कौन से फैक्टर हैं और कौन कौन से जो स्ट्रक्चर है जो उसको हेल्प करेगा. तो अगले क्लास में मैं स्पेशल वीडियो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर लेके आऊंगा, फोटोसिंथेसिस के ऊपर. दैट्स ऑल, थैंक यू.